गुणपिपरी तहसील के जोगापुर के गुरुद्वारा कमेटी द्वारा जरूरतमंदों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया गया। देश में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन घोषित किया गया है, जिसमें कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने हेतु यह कदम उठाया गया है और ऐसे में दैनिक मजदूरी कर अपना भरण पोषण करने वाले मजदूरों पर जीवन काटना मुश्किल हो गया है तथा आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को भी सामने एक चुनौती आ गई है और ऐसे लोगों की मदद के लिए सरकार के साथ अनेक लोग सामने आ रहे हैं। गुणपिपरी तहसील में करंजी गढ़ ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले जोगापुर के कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं को जब ऐसे जरूरतमंद परिवारों के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने करंजी जोगापुर और अक्सापुर परिसर के जरूरतमंद परिवारों की सूची बनाकर रविवार को सुबह जोगापुर के गुरुद्वारा परिसर में बुलाया और गुरुद्वारा कमेटी के पदाधिकारी के हाथों जरूरतमंद लगभग 42 परिवारों को अनाज का वितरण किया गया। इस मौके पर सोशल डिस्टेंस का पालन किया गया। इस मौके पर कमेटी के अध्यक्ष सतपाल सिंह डांगी, हरमिल सिंह डांगी, गुरदयाल सिंह डांगी, गुरमीत सिंह डांगी, कुलेंद्र सिंह पन्नू, छत्तर सिंह डांगी के साथ अन्य पदाधिकारियों के साथ युवकों ने अपनी भूमिका निभाई तथा इस संदर्भ में गुरुद्वारा कमेटी के पदाधिकारियों ने अपना मनोगत व्यक्त किया। सीटीवी के लिए हमारे विशेष प्रतिनिधि नितेश डोंगरे की रिपोर्ट। देश में जो कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है, उसके वजह से जो गरीब लोगों का रोजी न मिलने के वजह से, काम बंद रहने के वजह से सभी लोगों को अपन ने जोगापुर, अक्सापुर, करंजी इनमें से जो अनकंडीशन के लोग है उनको हमने किराना सामान 5 किलो चावल, दाल, तेल, साबुन, मिर्ची, नमक, निरमा उनको आज अपन ने दिए है यहाँ से जोगापुर गुरुद्वारा, श्री गुरु हरगोबिंद साहिब गुरुद्वारा जोगापुर।